समाज की प्रधान प्रमंडल की बैठक तुलसीश्वर भवन में रखी गई, जिसमें अखिल भारतीय घटक समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगेश्वर सोनकर जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राधेश्याम सोनकर जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री राजेश सोनकर जी और प्रदेश के संरक्षक श्री रमेश सोनकर जी और जमशेदपुर महानगर के अध्यक्ष आज इन्हीं को नियुक्त किया गया है, जमशेदपुर का जिलाध्यक्ष और सरायकेला खरसावां से श्री रतन सोनकर जी को नियुक्त किया गया है और जमशेदपुर ग्रामीण से श्री प्रकाश सोनकर जी को जिलाध्यक्ष बनाया गया। हम अपने पूरे टीम को शाबाशी देना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती समय निकाल के कार्यक्रम में शामिल हुआ। उसके बाद में हम अपने खटिक समाज का विस्तृतीकरण के लेके तीन जिला का हमने जिलाध्यक्ष नियुक्त किया, जैसे ग्रामीण क्षेत्र जमशेदपुर क्षेत्र और सरायकेला खरसावां क्षेत्र। सरायकेला खरसावां क्षेत्र से रतन सोनकर, ग्रामीण क्षेत्र से प्रकाश सोनकर और शहरी क्षेत्र से ब्रजेश सोनकर को हमने नियुक्त किया। राजेश कुमार सोनकर राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय खटिक समाज राष्ट्रीय महासचिव। अखिल भारतीय खटिक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भोला सिंह बरगुजर जी के दिशा निर्देश के अनुसार पूरे झारखंड में खटिक समाज को एकत्रित करना और खटिक समाज के लोगों को जगाना और खटिक समाज के लोगों को ये बताना कि आज तक झारखंड में खटिक समाज के किसी भी व्यक्ति को झारखंड सरकार के द्वारा कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। ना किसी तरह का आरक्षण है, ना किसी तरह का जाति प्रमाण पत्र है, ना किसी तरह का आवासीय प्रमाण पत्र है। झारखंड में खटिक समाज का हमेशा शुरू से दोहन हुआ है। खटिक समाज को किसी भी तरह का सरकारी लाभ आज तक प्राप्त नहीं हो पाया। अब खटिक समाज जागने का काम अपने खटिक समाज के सारे लोगों के बीच में चेतना फैलाने का काम कर रही है और पूरे झारखंड में 2600 जिला में हमारे जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं। और हम लोग झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत में 13 राज्यों में खटिक समाज को अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत रखा गया है, लेकिन झारखंड में अभी तक खटिक समाज को अनुजाति मोर्चा में नहीं शामिल किया गया है। तो हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि खटिक समाज को अनुसूचित जाति मोर्चा में जल्द से जल्द अनुसूचित जाति में शामिल करने का काम किया जाए। 2024 में खटिक समाज अपने कैंडिडेट उतारेंगे? खटिक समाज 2024 में किसी भी तरह का कोई भी प्रत्याशी मैदान में उतारने का काम नहीं करेगी, लेकिन हाँ खटिक समाज वैसे लोगों को सहयोग देने का काम करेगी जो खटिक समाज का उत्थान का जिम्मा लेगा और उनसे को ये भरोसा दिलाएगा कि हम आपके साथ हैं, खटिक समाज उन्हीं के साथ खड़ा होने का काम करेगी। जय 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 भीम।